हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 8th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 8.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 7वां। ठीक है, 7वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता थोड़ा लंबा हो जाए, पर आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, साइंस यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक दूध वाले ने अपनी दो भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि जो भी हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, लाभ या हानि जो भी हो रही है वो हमें ज्ञात करना है, कोई परसेंटेज जो है वो हमें नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 7वां। ठीक है, 7वां हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन्होंने विक्रय मूल्य दे दिए हैं दो भैंसों के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक भैंस का, इन्होंने विक्रय मूल्य की बात की है, बेचने की बात की है, तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य मत लिख देना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो है एक भैंस का वो है 20,000 रुपये। ठीक है, दो भैंसों की बात करते हैं, दो भैंस है ना, तो दो भैंसों की ही बात करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो भैंसों का विक्रय मूल्य वो हमारा क्या हो जाएगा, 2×20,000 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 40,000 रुपये जो है वो हो जाएगा दो भैंसों का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा विक्रय मूल्य। हम बात करेंगे पहली भैंस के बारे में। ठीक है, पहली भैंस पर लाभ, तो जो लाभ हुआ है पहली भैंस पर वो हुआ है 5% का। कितने परसेंट का, 5% का। अब ये बात मैंने आपको बताकर रखी है, जो हमारा लाभ होता है वो कितने पे होता है, तो हमारा लाभ जो भी होता है वो होता है हमारा क्रय मूल्य पे, पर इन्होंने हमको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो हमें लाभ तो चाहे दे कुछ भी रहे हों, पर हमें लाभ जो है, हानि जो है वो क्रय मूल्य पे ही निकालनी होती है। हमें क्रय मूल्य जो है वो पता नहीं है, तो मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना पहली भैंस का क्रय मूल्य तो वो कितना है, X रुपये। ये हम पहली भैंस का क्रय मूल्य जो है वो मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए विक्रय मूल्य, ये बात किसकी हो रही है, पहली भैंस के ही हो रही है। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, अगर लाभ हो रहा होता है तो क्रय मूल्य में लाभ को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, हानि हो रही है तो क्रय मूल्य से हानि घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा लाभ हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, ये हम कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य तो हमें पता है कितना है, विक्रय मूल्य तो इन्होंने दोनों का ही 20,000 रुपये जो है वो बताया है, और क्रय मूल्य हमने एक्स माना है। ठीक है, और लाभ हमको निकालना है, तो लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे निकलता है, तो क्या करेंगे, एक्स का 5% था, 5% जो है वो हम निकाल देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, लाभ 10% है कि 5%, तो लाभ जो है वो 5% है, सही कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब काट लेते हैं, काट लें, 5×5, 5×2×10, 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो होगा जाके एक्स प्लस 1/20 और इंटू एक्स, तो हम क्या करेंगे, एक की एक्स से गुणा कर देंगे, एक्स आ जाएगा, x/20 आ जाएगा। अब इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की 20 की एक से गुणा हमारी 20 हुआ, और 20 की एक्स से गुणा हमारी 20x हुआ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है, प्लस लगा देंगे और 1x हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या हुआ जाके, 21x हुआ जाके, क्या हुआ, 21x/20 इतना हमारा हुआ जाके, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इधर हमारा क्या चल रहा था, 20,000 जो है वो चल रहा था, तो 20,000 जो है वो हम
लिख देते हैं। ठीक है, हमने 20,000 जो है वो लिख दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, आगे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे। मैं सोच रही थी इधर ही सारा हो जाएगा, फिर इधर दूसरे का कर देंगे, फिलहाल हो नहीं पाया है, क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 21 की गुणा हम यहाँ पे हम एक मान लेंगे बटे में। ठीक है, तो 21 की गुणा एक से होगी तो हमारा 21x आ जाएगा। अब इस 20 की गुणा हमारी 20,000 से होगी तो हमारा क्या आएगा, 2 × 2 = 4 हुआ। ठीक है, 2 × 2 = 4 हुआ, 4 0 इधर, 1 0 इधर, मतलब 5 0 हमारे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, 4 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे हमारा क्या चला जाएगा, 21 चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो रुपए आए हैं ये हमारे क्या हैं, क्रय मूल्य निकला है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है वो हमारा निकला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो चलिए भाग दे लेते हैं, यहीं पर दे लेते हैं। 21 को भाग करेंगे हम 4 लाख से, 1 2 3 4 5। ठीक है, भाग करते हैं तो 21 × 2 = 42 होता है, मतलब 21 + 1 = 21 ही होगा। ठीक है, 9 बच गया हमारा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पे हमारा 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक है, अब हमारा ये तो जाएगा नहीं 19, तो हम क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। अब हम कितनी बार में ले जाएँ बताओ भाई, हम 7 × 2 = 14 8 बार में ले जाएँ, 8 × 2 = 16 9 बार में ले जाएंगे, 9 × 2 = 18 9 × 9 = 9 9 × 9 = 9 9 × 2 = 18 9 बार में ले जा सकते हैं। ठीक है, 9 × 9 9 × 2 = 18 एक मिनट हो, जस्ट एक हमारा बच गया, एक जो है वो हमारा बच गया। ठीक है, तो ये हुआ, एक हमारा बचा है। ठीक है, एक तो जाएगा नहीं, तो ये वाला 0 जो है वो हम उतारेंगे। अब अभी भी नहीं जा रहा है, अब अभी भी नहीं जा रहा है, तो ना जाने का 0 लिखेंगे। अब ये 0 जो लिख लिया है, तो 1 0 जो है वो हम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 21 इसको ले जा सकते हैं, 4 × 4 = 4 4 × 2 = 8। ठीक है, अब हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 9 में से 8 गया 1, 16 बचा। ठीक है, तो हमारे ये 2 0 इधर हो गए, ये वाला 0 इधर हो गया, ये वाला 0 इधर हो गया, ये वाला 0 इधर हो गया, और ये 0 हमारा बचा है, मतलब ये जो है हमने उतार दिया। अब हम इसको कितने बार में ले जा सकते हैं, 8 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में ले जाते हैं। ठीक है, 7 × 7 7 × 2 = 14। ठीक है, तो अब हम हमारा क्या बचेगा, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे बचा 5 में से 4 गया 1, 13 बचा। क्या बचा है हमारा, 13 बचा है, इस 13 को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, नीचे तो कर नहीं पाएंगे ना, तो 13 बचा। अब तो हमारे 0 भी नहीं रह गए, तो अब हमें सॉल्व तो करना ही है, तो दशमलव, अब 0 कैसे बढ़ाएं, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ गया। तो अब हम इसको कितनी बार में ले जा सकते हैं, 6 बार में ले जा सकते हैं, 6 बार में ले जाते हैं, 6 × 6 6 × 2 = 12। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 बच गया हमारा, अब यहाँ पे तो पूरा कट गया, 4 बच गया, अब हम 0 उतार सकते हैं, दशमलव तो लगे ही है, तो हम कितनी बार में ले जाएं, फिर से हम इसको एक बार में ही ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा 21 आ जाएगा, फिर से हमारा वही 19 ही बच जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये हुआ है वहीं पे हम पहुंच गए, मतलब ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा 19047.61 जो है वो हमारा आंसर आ जाए, आंसर नहीं आया है, ये हमारा पहली भैंस का क्रय मूल्य। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें चाहे तो, पहली भैंस का क्रय मूल्य, ये हमारा क्या आया है, ये हम जो है हमने लगाया है, ये हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, तो ये जो है वो हमने बिगाड़ दिया है, तो इतना आ गया है 19047.61, ये पहली भैंस का क्रय मूल्य आ गया है। अब हमें किसकी बात करनी है, दूसरी भैंस की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब हम फिर से यहाँ से, ये हमने सब, आपने सब नोट कर लिया, अब हमको उसके आगे से लिखना है, तो मैं यहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी भैंस पर हानि हुई थी हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हानि, तो कितने की हुई है वो,
10% की हमें हानि हुई है, ठीक है। 10% की हानि हुई तो हम यहाँ पे फिर से मान लेंगे, माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है, किसकी, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे x तो मान ही चुके हैं तो हम y मान लेते हैं, ठीक है, y रुपए, ठीक है। तो इसलिए विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इस बार हमें हानि हो रही है ना, हानि हो रही है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हम हानि जो हो रही है उसको घटा देंगे, घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य तो इतना ही था, दोनों भैंसों का मूल्य जो था 20,000 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जो था वो क्रय मूल्य जो था वाई माना था, वाई में से हानि घटा देंगे, हानि हमारे किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, वाई का 10%, इतनी हानि हो रही है तो हमने ये कर दिया है, 10 × 10 = 10, 10 × 10 = 100, ठीक है। तो हमारा ये क्या आएगा, इसको पूरा पूरा रफ कर दूँ यहाँ पर ज़रा, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 20,000 जो है वो तो हमारा लिखा ही जाएगा, बराबर में y माइनस ये क्या आया, y बटे 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बटे में एक मान लेंगे, 10 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और 10 की y से गुणा करें, y को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, y बटे 1 इस तरीके से, 10 y की गुणा होगी तो हमारा 10 y आ जाएगा, माइनस लगा देंगे, 1 की y से गुणा होगी तो y आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आया, 10 में से 1 गया तो 9 y बटे 10 जो है वो हमारा आ जाएगा। और ये हमारा इधर 20,000 जो था वो चल ही रहा था, तो 20,000 जो है वो हम चलने ही देते हैं अभी, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ से करना शुरू करते हैं थोड़ा, ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, 10 की इससे गुणा करेंगे, और यहाँ पे अगर हमने 1 मान लिया बटे में, तो 1 की गुणा 9y से होगी, तो 1 की गुणा 9y से हुई तो हमारा 9y आया, और 10 की गुणा 20,000 से हुई तो हमारा 200,000 आ जाएगा, ठीक है, 5 जीरो हमारे लग जाएंगे, ये हो गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 20 जो 200,000 है हमारा, ठीक है, 200,000 के नीचे हम 9 लिख देंगे, तो मतलब हमें इस बार क्या करना है, 9 से 200,000 को भाग करना है, ठीक है, तो भाग करना है तो हम क्या करते हैं, हम इधर आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, ये सब आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है, नहीं नोट किया है तो बैक करके देख लेना, ठीक है, मैं बहुत ही आराम से समझा रही हूँ, जितना भी कमज़ोर बच्चा होगा वो आसानी से समझ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो 9 से हम भाग करेंगे 200,000 को, ठीक है, भाग करते हैं तो 9 × 18 होता है, तो 2 बार में हम ले जाएंगे, हमारा क्या बच गया, 2 बच गया, फिर 0 × 18, फिर 9 × 18 हुआ हमारा, फिर हमारा 2 बच गया, फिर हमने ये वाला 0 उतार लिया, फिर हमारा 9 × 18 होता है, फिर हमारा 2 बच गया, फिर हमने 0 उतारा, ये वाला, ये 0 इसका, ये 0 ये 0 है, ये 0 ये, 1 जीरो अभी और बचा है, फिर हमने किया, 18 हुआ, फिर हमारा 2 बच गया, फिर हमने 0 उतारा, फिर हमने 2 बार में ले गए, फिर हमारा 18 हुआ, फिर हमारा 2 बच गया। अब हमारे कोई 0 जो है वो बचा ही नहीं है, कोई 0 बचा नहीं है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाया फिर हमारा 0 बढ़ गया, फिर हमने 2 बार में इसको ले गए, 18 हुआ, फिर से हमारा 2 बच गया, फिर से हमारा 2 बच गया, फिर दशमलव तो लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से हमने 2 बार में किया तो हमारा फिर से 18 हुआ, मतलब हमारा 2 ही बच रहा है, ठीक है, इस तरीके से 2 जो है वो हमारा बचता रहेगा। तो हमारा क्रय मूल्य जो है वो क्या आया है बताइए, तो क्रय मूल्य जो आया है वो हमारा आया है 22,222.22, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो लिख दें दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, तो ये हमारा कितना आया है, 22,222.22 रुपये, ठीक है, ये हमारा आया है दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है, ये हमारा दूसरी भैंस का क्रय मूल्य आ गया, पहली भैंस का क्रय मूल्य आ गया। अब हमें बताना है कि टोटल पर उसे लाभ हुआ है कि हानि हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ
लिखेंगे दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य तो हमें पता ही है क्या है, 40,000 है। अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, तो वो हमारा कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। एक निकला था 19,047.61, एक है 22,022, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, वही हमारा कुल क्रय मूल्य होगा जाके। तो एक और दो हमारा 3 हुआ, 6 और दो हमारा 8 हुआ, ठीक है, 7 और दो हमारा 9 हुआ, 4 और दो हमारा 6 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, और 9 और दो 11 हुआ, ठीक है, 11 हुआ, एक हासिल 2 और एक 3 और एक हासिल 4। तो दोनों का क्रय मूल्य जो है वो हमारा 41,269 आया, ठीक है, इतना आया। और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 40,000 है। तो बताइए भाई, ये ज़्यादा है कि वो ज़्यादा है? तो आप कहोगे कि क्रय मूल्य ज़्यादा है। अब जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब हमारा क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है, किससे, विक्रय मूल्य से, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, चाहे दोनों पर मतलब दोनों भैंसों पर, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है वो कम है, ठीक है, ये इधर वाला ज़्यादा का निशान, इधर वाला कम का निशान, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या होगा, हानि होगी। अब हानि होगी तो हानि जो है वो कितनी हुई है ये भी बतानी है, ठीक है, हानि जो है वो कितनी हुई है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा 41,269.83 जो आया है ये, ठीक है, इतना जो आया है, इतना रुपए, इसमें से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। तो इसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य है हमारा 40,000, ठीक है, 40,000। और इसके बाद में कुछ था नहीं, दशमलव के बाद में, मतलब इसमें दशमलव था नहीं, तो हर संख्या के बाद में क्या होता है, दशमलव होता है, उसके बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस संख्या पे, ठीक है। इसको हम 40,000 ही पढ़ेंगे, घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हानि बराबर, ठीक है। तो 3 बचेगा यहाँ पे, 8 में से 0 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 0 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 में से 0 गया 1 बचेगा, मतलब कितने की हानि हुई, 1,269.83 रुपये की हानि हुई। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हो सकता है चैनल आपसे खो जाए, तो इस रिस्क को मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपका ना पैसा खर्च होगा ना डेटा खर्च होगा, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा।